इन दोनों जगह जगह क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन हो रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर तो सारे नियमों को ताक पर रखकर इस तरह के आयोजन बिना अनुमति के किए जा रहे हैं। हद तो जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के कुरकुरु गांव में देखने को मिली, जब क्रिकेट टूर्नामेंट में दर्शकों के मनोरंजन के लिए बार वालाओं को भी बुला लिया गया। फिर क्या था, वह भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए पहुंच गए जिन्हें क्रिकेट का कोई शौक नहीं होता। दरअसल असल मनोरंजन तो बार वालाओं के ठुमकों से हो रहा था और बार वालाएं भी पीछे नहीं रही। ट्रैक्टर ट्रॉली पर खड़ी होकर बार वालाओं ने जमकर ठुमके लगाए तो वहीं पैसों की बारिश भी होने लगी। दरअसल आईपीएल मैचों की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं और चीयर गर्ल्स को बुलाने का चलन भी शुरू हो गया है। जालौन से हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेश जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कि क्या क्रिकेट से भरपूर मनोरंजन नहीं होता जो अब युवाओं का दिल बहलाने के लिए बार बालाओं को बुलाया जाने लगा है? बिल्कुल, जिस तरीके से क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जाती है उसी का प्रतिफल है ये कि जनपद जालौन के कुरकुरु में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बार बालाओं की ठुमके दिखे गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जबकि जनपद में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है तो धारा 144 का उल्लंघन साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज जो वहां पर गेस्ट मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर खड़े होकर जिस तरीके से बार बालाओं ने ठुमके लगाए ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। दरअसल इस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो बिना किसी उसके खड़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उसको गौर से अगर देखेंगे तो बिना किसी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के वो खड़ी है। सिर्फ एक छोटे छोटे ईंटें होती हैं उनका ओट लगाकर खड़ी है। वो तीन तीन बार वाला है उसमें डांस कर रही हैं। बड़े सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन इसके लिए ये जो है इसका दोषी किसको माना जाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। अब देखना ये कि ये वीडियो चूंकि सोशल मीडिया पे कल से वायरल हो रहा है, फेसबुक पर भी वायरल था और अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये वायरल था। कुरकुरु जनपद जालौन का जो कोटरा थाना क्षेत्र का कुरकुरु गांव है वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था और वहाँ पर ये बार बालाओं के ठुमके जब लगे तो वहाँ किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अब वीडियो वायरल होने के बाद ये हम लोगों तक पहुँचा और हम आप तक दिखा रहे हैं। हमारा इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि सबसे पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो लागू की धारा 144 है उसका अनुपालन सुरक्षित हो, और दूसरी बात बिना किसी सुरक्षा मानकों के इस तरीके से फूहड़ था आखिर क्यों, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार और कब तक होगी इस पर कार्रवाई, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।